आजकल पब्लिक प्लेस में प्रपोज करने का फैशन बन गया है, लेकिन कई बार लोग यह भूल जाते हैं कि वो किस जगह पर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। वह प्लेस ऐसे कामों के लिए नहीं है, इससे गलत संदेश जाता है। दरअसल ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कॉलेज से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर बेजा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की ने युवक को कॉलेज के कैंपस में प्रपोज किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्कूल कॉलेजों में जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां इस प्रकार की हरकत करने से लोगों में नाराजगी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कॉलेज के कैंपस में लड़की युवक को प्रपोज करते हुए नजर आ रही है। लड़की ने एक के बाद एक चार लाल गुलाब के फूल युवक को दिए, साथ ही एक कार्ड और चॉकलेट भी दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और डांस भी करते हैं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें शादी की शुभकामनाएं भी दे दी। कॉलेज कैंपस में प्रपोज करने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो स्कूल ऑफ कॉमर्स प्रांगण का बताया जा रहा है। प्रपोज करने के बाद दोनों कपल डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद लोग ताली बजाकर उनको बधाई देते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कॉलेज प्रबंधन क्या एक्शन लेता है, यह वक्त रहते पता चलेगा। हालांकि इस वायरल वीडियो की खबर एक्सप्रेस न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले केदारनाथ धाम से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां एक लड़की ने अपने पार्टनर को केदारनाथ धाम के सामने ही प्रपोज किया था। वीडियो वायरल होने के बाद खूब बवाल भी मचा था। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने मोबाइल ले जाना ही बैन कर दिया था। फिलहाल इस कॉलेज से यह वीडियो वायरल हुआ है, क्या कॉलेज का प्रबंधन इन पर कार्रवाई करता है, वक्त रहते पता चलेगा। खैर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसकी खबर एक्सप्रेस न्यूज बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, इंदौर। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं, साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78।